तो भाई लोगों, अपने राजस्थान में टिड्डी दल ज़बरदस्त बढ़ चुका है और मुझे फेसबुक पे लाइव आना पड़ रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए और मेरी स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि वो हेलीकॉप्टर स्प्रे का प्रबंध कराएं, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये तीनों जो बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं, कम से कम आप मान के चलो 300 से 400 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। तो वहाँ पे टिड्डी दल ज़बरदस्त बढ़ चुका है, तो उसका कोई समाधान नहीं है, ना इनके पास बराबर संसाधन है। हमारे यहाँ पे जो टिड्डी कंट्रोल का दल लगा हुआ है, उनके पास जो भी व्हीकल है वो सब पुराने ओल्ड है। तो उनके रिसोर्सेज है वो स्पीडली बढ़ाए जाए, जो उनके पास संसाधन है, जैसे उनके पास 5 गाड़ी है तो उनको 15 किया जाए, 20 किया जाए या 25 किया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ज़बरदस्त, और ना तो इस पर कोई अपने नेशनल लेवल की मीडिया का कवरेज है, ना इस इश्यू पर कोई गवर्नमेंट एक्शन, ज़बरदस्त एक्शन ले रही है। तो मेरी प्रशासन से, जो भी मंत्रिमंडल है, उन सब से यही गुजारिश है, चाहे वो राज्य सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो अपने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हो, चाहे अपने ये क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, उन सब से यही मेरी निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या पर एक्शन ले। अरे अपने देश में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है, $5 ट्रिलियन की, $10 ट्रिलियन की। चलो अपने को इकोनॉमिक तो वैसा बना सकते हैं, क्या अपने देश में पॉसिबल नहीं है कि हेलीकॉप्टर से स्प्रे कर सके। नेपाल में बाढ़ आती है या डिजास्टर होता है, तब आपका ये लड़ाकू, ये जो बड़ा ग्लोब मास्टर C-12 ग्लोब मास्टर है ना, बड़ा वाला वो प्लेन, वो जाके वहाँ पे बचाव करता है। और भी श्रीलंका में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे जाके बचाव करता है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जाके कोई बचाव करता है। तो अपने देश में क्यों पॉसिबल नहीं है? जोधपुर में, यहाँ पे जोधपुर में, नाल में कितने प्लेन खड़े पड़े हैं, तो वो कब काम आएंगे वो सारे हेलीकॉप्टर? अपने देश का रिसोर्सेज कब काम आएगा? सारा पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस करके राजस्थान के थ्रू ये टिड्डी दल फैल रहा है, और आगे ये कहाँ तक जाएगा पता है आपको? आगे ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, एमपी तक फैल जाएगा, गुजरात, इतनी जगह पे ये फैल सकता है। और मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ पे टिड्डी अंडे दे रही है, और टिड्डियाँ इतनी स्पीडली बढ़ रही है कि आप सोच ही नहीं सकते। खेतों में तो है तो मेरे पास किसानों के कॉल आते हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और जो भी खेतों के अलावा जो भी जंगल में है तो जंगल तो भरे पड़े टिड्डियों से। तो अब आप जल्दी से जल्दी एक्शन लो, तभी इसका समाधान हो पाएगा। और मैं जो भी नेशनल लेवल के चैनल है, NDTV है, चाहे आज तक है, चाहे ABP है, भैया प्लीज़ ये नेताओं की न्यूज़ दिखानी बंद करो, और प्लीज़ आम आदमी, आम किसान मर रहे हैं, उनकी न्यूज़ दिखानी आप स्टार्ट करो। और मेरे राजस्थान भाइयों से, सारों से निवेदन है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, राजस्थान के जितने भी अपने ज़िले हैं, उन सब भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये प्रॉब्लम प्रशासन तक, और ये अपने मुख्यमंत्री तक, और ये अपने प्रधानमंत्री तक पहुंच पाए, तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी आपका समस्या का समाधान हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा भैया। तो ये टिड्डी दल है जो आक्रामक हो चुका है, और इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये 25-50 किलोमीटर में फैल चुका है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जो भी टीमें हैं उनके पास इतने अच्छे व्हीकल भी नहीं है, उनकी जो 3 या 5 वैन है उनको 10, 15 या 20 किया जाए। और हेलीकॉप्टर अपना अच्छा ऑप्शन है, इंडिया अगर चंद्रमा पे जा सकता है तो हेलीकॉप्टर से स्प्रे नहीं कर सकता है क्या? पॉसिबल है, लेकिन भाई वो भी किट भी पॉसिबल है। अगर सारी चीज़ें आ सकती है बाहर से, तो क्या अपने किट नहीं आ सकती है क्या हेलीकॉप्टर से स्प्रे करने के लिए? और इंडिया के पास क्या कमी है? DRDO है, ISRO है, कोई भी आपको सेकेंडों में किट बना के दे देगा, बड़े बड़े अपने ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्लीज़ ये वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी जो भी नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे इस न्यूज़ को। और एक इसको NDRF की टीम भी लगाए, नेशनल डिजास्टर जो भी है, रिलीफ फोर्स, उसको भी लगाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो भी शेयर करें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और मेरी CM जो अशोक गहलोत है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो एक टफ एक्शन ले इस पे, नहीं तो बेचारे किसान सारे मर जाएंगे, किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, और अपने ये आंकड़े सारी उम्र के लिए रह जाएंगे। तो ये बड़े बड़े आंकड़े बताने से कुछ नहीं होगा, और ये करोड़ों अरबों की फसल बर्बाद हो गई है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, वहाँ पे करोड़ों अरबों की, खरबों की बर्बाद हो गई है, और GDP में भी कितना नुकसान होगा ये भी मान के चलो। तो इन सबको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो 5 या 10 स्टेट आने वाले टाइम में इस चीज़ के चपेट में आ जाएंगे। तो भैया हेलीकॉप्टर का अगर स्प्रे आपसे पॉसिबल है तो करवाओ, प्लीज़ करवाओ। अगर खेतों में नहीं है तो जंगलों में तो कराओ, और जो भी टीम है, वैन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।